नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए इंडिया जीके के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों आपके डिफेंस के एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक एंड ऑप्शन डी है आपका उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर वन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर एंड ऑप्शन डी होगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर टू का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अकबर। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी वो अकबर की समकक्ष थी। क्वेश्चन नंबर थ्री, भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ है? ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए बासमती चावल, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी कॉफी एंड ऑप्शन डी होगा आपका चाय। तो भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किए जाने वाले जो कृषि पदार्थ है वो है दोस्तों बासमती चावल। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत के व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा होता है? भारत का जो व्यापार है तो उसमें कितना प्रतिशत भारत का जो माल आवाजाही होती है वो समुद्र के रास्ते होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके 75%, 69%, 95% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फोर का सही आंसर ऑप्शन सी 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री एंड ऑप्शन डी होगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का सही आंसर है ऑप्शन ए वित्त मंत्री। तो दोस्तों, क्वेश्चन अभी और भी हैं लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। वहां पर आके आपको इस वीडियो की जो है वो पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन हैं गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी है आपका राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर ऑप्शन ए गुजरात। भारत का सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र एंड ऑप्शन डी होगा आपका गंगा। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का सही आंसर है ऑप्शन डी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऑप्शंस हैं नागालैंड, ऑप्शन बी होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर एट का सही आंसर होगा ऑप्शन सी असम। जी हाँ दोस्तों, असम की सीमा जो है वो म्यांमार से नहीं मिलती है, बाकी नागालैंड अरुणाचल प्रदेश दोनों की सीमा जो है वो म्यांमार से मिलती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 8 क्वेश्चन हुए हैं इस वीडियो में, अभी 10 क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो दोस्तों वीडियो पब्लिश होती है, वीडियो हम डेली दोपहर में 12 बजे पब्लिश करते हैं। ठीक है, मेरे पास में काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर हम आप जब वीडियो डालते हो शाम को या सुबह को तो हम शायद फ्री नहीं हो पाते हैं, इसलिए आप जो वीडियो है वो दोपहर में डाला करें। तो इसीलिए दोस्तों मैंने जो वीडियो का अपलोड का टाइमिंग रखी है वो रखी है दोपहर में 12 बजे।
ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि आप सभी लोग इसके लिए देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छी वीडियो है। इसमें वही क्वेश्चन सिर्फ मैंने सिलेक्ट किए हैं जो पिछली कुछ सालों में डिफेंस के एग्जाम्स में रिपीट होते रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जादूगोड़ा, ऑप्शन बी दलभूमि, ऑप्शन सी पिछली एंड ऑप्शन डी है आपका तुम्माला पल्ले। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए NH44, ऑप्शन बी NH2, ऑप्शन सी NH10 एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए NH44। जी हाँ दोस्तों, NH44 जो है वो भारत का सबसे लंबा हाईवे है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।